सतीश युवा हैं, अहमदाबाद में रहते हैं। पहले नौकरी करते थे, लेकिन प्रधानमंत्री भारतीय जन औषधि परियोजना की शुरुआत के बाद उन्होंने इससे जुड़ने का फैसला किया। बिजनेस का उन्हें अनुभव नहीं था, लेकिन बेहतर गाइडेंस की वजह से उन्हें दिक्कतें नहीं हुई। मैं पहले राजकोट पे जॉब कर रहा था और मेरे अंकल ने मेरे को लाइन दी। सतीश के मुताबिक जन औषधि केंद्र खुलने का फायदा स्थानीय लोगों को मिल रहा है। अब सस्ती और बेहतर दवाएं उन तक पहुंच रही हैं। अच्छी क्वालिटी वाली दवाइयां यहाँ नरेंद्र मोदी जी के स्टोर पे हमको सिर्फ जो 3-4 हज़ार का बिल था वो उसको सिर्फ 600 या 700 में मिल जाती थी दवाइयां। जन औषधि केंद्र को लेकर ग्राहकों की क्या राय है, आइए देखते हैं। इंसुलिन नाम की दवा लेने आया था मैं, मुझे नॉर्मल ये दवा मार्केट में 95 रुपये की मिलती है, पर मुझे यहाँ प्रधानमंत्री जन औषधि केंद्र पर यह दवा सिर्फ 30 या 35 रुपये में मिल रही है। इसके लिए मैं पूरा का पूरा क्रेडिट अपने प्रधानमंत्री श्री नरेंद्र भाई मोदी को देना चाहता हूँ, और उन्होंने बहुत अच्छा काम किया है। पिछले 3 महीने से मैं दवा ले जा रहा हूँ, मैं मदर का, ये बीपी की गोली है और मुझे इसमें काफ़ी फायदा है, क्योंकि वो जो स्ट्रिप में अभी ये 30 लिया है वो मुझे यहाँ पे 136 में पड़ा है, वो मुझे 195 में पड़ता था। और ये मोदी जी का धन्यवाद है कि इन्होंने ऐसे सेंटर्स खोलने की अनुमति दी है, बहुत अच्छा लगा। जन औषधि केंद्र से जहां स्थानीय लोगों को लाभ मिला है, वहीं सतीश की आमदनी में बेहतर इजाफा हुआ है। जब मैं जॉब कर रहा था तब मेरी सैलरी 8 या 10 हज़ार थी, लेकिन अब खुद का बिजनेस है तो मैं पर मंथ 15-20 हज़ार 25 हज़ार कमा लेता हूँ। इस योजना का मकसद गरीबों तक सस्ती और उच्च गुणवत्ता की दवाइयाँ पहुँचाना है, और जिस तरह से औषधि केंद्रों पर लोग आ रहे हैं, ये योजना अपने मिशन को पूरा करते हुए दिख रही है।